है, बालों में लगाने के लिए रबर बैंड तक नहीं है। हे गाइस, आपका स्वागत है नई व्लॉग वीडियो में। और आप सोच रहे होंगे कि मतलब इतना मेकअप वेकअप करके कहाँ जा रही है, तो आज हम जा रहे हैं कहीं, बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। सो मैंने हील्स डाली और मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, और मतलब अभी मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। फिलहाल तो हम बेसमेंट में हैं तो यहाँ पे तो थोड़ी राहत है, बट बाहर तो हद ठंड हो रही है। आज तो कोहरा भी हो रहा है, हल्का हल्का सा, धूप का नाम और निशान नहीं है। और बताते हैं हम आपको कि कहाँ जा रहे हैं। और गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव के लिए और मज़ा आ रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी कोहरा थोड़ा कम हो चुका है लेकिन ठंड वैसी की वैसी है। ओह शिट, घर से निकलते ही जाम मिल जाता है, गुस्सा आता है, पर क्या ही कर सकते हैं। हे गाइस, ये देखिए गांव, आपने तो देखे ही नहीं होंगे। ना हमने कहा देखे, कहाँ से हो, कहाँ से। हे गाइस, हम आए तो थे एक फंक्शन अटेंड करने, जो कि हमने ऑलरेडी अटेंड कर लिया है, और अभी हमारे जाने से प्रोग्राम बना है। अभी हम जा रहे हैं घूमी घूमी, और हमारे पास कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है ऐसा कुछ, कि मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। कुछ सामान नहीं लेके आए, जो कपड़े पहन के तो सिर्फ वही है जो पहन रखा है, बालों में लगाने के लिए रबर बैंड तक नहीं है। और अचानक से प्रोग्राम बना है कि घूमने चल रहे हैं कहीं दूर, कहीं लंबा, बहुत दूर हम घूमने जा रहे हैं। सो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, और कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा, और कपड़ों वगैरह का इंतज़ाम कैसे होगा वो भी देखते हैं वहीं जाके। शायद थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो चलो चलते हैं, लेके चलते हैं आपको, देखते हैं। मेरे को छोड़ के जा रहे हैं यार, देखो तुम गाड़ी लेके चले गए हैं, मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। अरे मुझे भी बिठा लो भाई, वैसे भी मैंने हील्स पहन रखी है, और मुझे मतलब हील्स पे कौन घूमने जाता है यार। गाइस, मुझे सब चीजें खरीदनी पड़ेंगी, कुछ भी नहीं लेके आई थी, मतलब कुछ ऐसा प्लान तो था नहीं। गोवा इज़ ऑन। एक्साइटेड? या एक्साइटेड। विशाल भैया की सगाई में आए थे और हम जा रहे हैं अभी घूमी घूमी, क्योंकि अचानक से ट्रिप पर आए हैं तो कपड़े भी तो चाहिए, तो भी मैं कपड़े लेने के लिए रुके हैं हम यहाँ पे। ट्रेंड्स हमें दिखाता है यहाँ पे, तो वहाँ से हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर शॉपिंग कर दी। गाइस, शूज भी ले लिए। गाइस, बहुत रात हो चुकी है, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है बट अंधेरा हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जितना इमेजेस में दिखा था उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पे बहुत शांति है, जिसकी खोज में हम यहाँ आए हैं। लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। तो गाइस, ये है हमारे रिजॉर्ट की एंट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देखते जाओ। और ये साइड में क्यूट सी हट बनी हुई है, मतलब ये कॉटेजेस है शायद, इसका हमें आइडिया नहीं था कैसे करना है क्या, क्योंकि हमने तो एकदम से ही बुकिंग करी थी, एकदम से हमारा प्लान बना था, गाड़ी में बैठ के ही हमने बुकिंग करी थी रिजॉर्ट की तो। बट ये बहुत सुंदर है, यहाँ से नीचे पूरा लोबी मतलब बैठ सकते हैं, उधर रिवर साइड का व्यू है, पूरा रिवर साइड है, वहाँ पे सिटिंग एरिया बना रखा है, वहाँ पे बैठ के चल कर सकते हैं। और ये आ जाता है इनका वेटिंग एरिया, यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह भी हैं, इधर आप देख सकते हो, ये हैं यहाँ पे गेम्स वगैरह हैं। और ये बार इन्होंने छोटा सा बना रखा है, अगर किसी को ड्रिंक व्रिंक करनी है, हम तो नहीं करते हैं। और वाओ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे ये बैडमिंटन खेलने के लिए बना हुआ है, और साइड में ये नीचे कॉटेजेस बने हुए हैं जैसे। सो गाइस, दिस इज़ आवर रूम, काफ़ी स्पेशियस है, और ये वार्डरोब है, और ये मिरर, हेलो। और वहाँ सामने से ना पूरा खिड़कियाँ हैं, पूरा विंडो है, मतलब ये है, बट अभी कोई व्यू नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत रात हो रही है, अभी तो शीशे में मैं ही दिख रही हूँ सारी। और इन्होंने यहाँ पे छोटी सी टेबल दी है, और सारा यहाँ पे ये केटल वगैरह रखी है, पानी की बोतल है, एंड ये वॉशरूम है, और ये देखो आप बालकनी। हे, से हाय। ये दोनों यहाँ इस मज़े के लिए आए हैं बेचारे, अपने
कॉर्पोरेट वर्ल्ड के स्ट्रेस को छोड़ के यहाँ रिलैक्स करने के लिए। और दिन में शायद हमें यहाँ पे पहाड़ वगैरह नज़र आ जाएंगे। और ये नीचे यहाँ पे कॉटेजेस शायद बने हुए हैं, इनका हमें आइडिया नहीं था पहले, तो हमने यहीं पे आके देखा। बाकी वो पूरा रिवर चल रही है साइड में, और वहाँ पे रिवर साइड व्यू भी है, वो हम आपको दिन में दिखाएंगे। और ये इनका पूरा लॉन एरिया है रिजॉर्ट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल है, मस्त है एकदम। दिन में हम एक्सप्लोर। सो गाइज, हमारा डिनर भी आ चुका है, अभी हम डिनर करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर भी करना है। ये देखिए केजरीवाल गाइज, दिल्ली की फील लेना चाह रहे हैं ये। सो गाइज, अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट को, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, गेम्स वगैरह का भी शायद है कुछ। तो अभी हम डिनर हमारा हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमी घूमी। सो गाइज, यहाँ पे है वो लोकल के होंगे ना। हाँ, सो गाइज ये है इनका, यहाँ पे ये पूरा एरिया है, यहाँ पे बैठ सकते हैं रात में, मतलब दिन में भी। और यहीं से गाइस झूला भी है यहाँ पे, लुक एट दिस व्यू गाइस। ये है रिवर साइड हमारी, और ये पानी की आवाज़ बहुत ही सुकून दे रही है। पानी में से देखो धुआं सा कैसे उठ रहा है, कितना मस्त लग रहा है। घुमाना मत, घुमाना मत, मुझे चक्कर आते हैं, रोक लो भैया, सच में बुला रहे हैं। और रिजॉर्ट के पैसे वसूल करते हुए इसे कहते हैं पैसे वसूल करना। गाइस बहुत ठंड लग रही है मुझे, मेरी सच में हालत ख़राब हो रही है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आप लोग पार्ट टू भी ज़रूर देखना, वो मैं दिखाऊंगी कि कल को हम यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे और कौन सी जगह आए हैं, वो भी सब आपको कल मतलब क्लियर कर दूंगी। और हमारे रिजॉर्ट का नाम वगैरह मैं आपको बताऊँगी, अगर आपको यहाँ पर आना है, अगर आप भी दिल्ली या आस पास कहीं रहते हो तो बहुत ही अच्छा स्टे मतलब ऑप्शन है ये इस जगह का, और बहुत ही ज़्यादा कोजी है और एस्थेटिक है। सो आप लोग यहाँ पे स्टे ज़रूर कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब ठीक है बजट में है। तो मतलब वो मैं आपको बता दूँगी कल कि क्या क्या था यहाँ पे सिस्टम। और खाना जो हमने डिनर मंगवाया था वो भी बहुत टेस्टी था, एकदम सिंपल सिंपल सा, मतलब बहुत ज़्यादा मसालेदार और चटक चटक खाना नहीं था, बहुत ही टेस्टी था। एंड चलो अभी मैं एंड करती हूँ उस व्लॉग को यहीं पे, और आप लोग पार्ट टू ज़रूर देखना।